और है क्या? हाँ हाँ तो दोस्तों आज हम हमारे ही विलेज एरिया में जो सेंट्री टोला वो अपने ही ईंट भट्टा जो था वो ईंटों का काम कर रहा था, मतलब ईंट अपना घर पे ले जा रहा था और वहाँ पे दो सांप देखा गया था और हमें फ़ोन के माध्यम से बुलाया गया। हम आए तो हम आके देखे तो एक ही सांप निकला है, रेड स्नेक, और एक सांप नहीं निकला है तो शायद भाग गया है। वो थोड़ा देर पहले ही देखा हुआ था, बोला जिसमें दो सांप हम देखें अभी, जैसे हम लोग काम कर रहे थे तो दो सांप देखें। तो हम जैसे आए तो आने के बाद हमको भी एक सांप नजर आया, ये जो रेड स्नेक इसको हम नजर आया था और रेड स्नेक को हम अभी रेस्क्यू किए हैं और इसको हम फॉरेस्ट में अभी रिलीज कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, कहीं भी सांप अगर नजर आ जाए तो सांपों को मारे नहीं, क्योंकि सांप एक पर्यावरण मित्र है, सांप को बचा रहने दे और हमें तुरंत फोन करें, हम तुरंत आ जाएंगे और सांपों को रेस्क्यू करके फॉरेस्ट में इसको रिलीज कर देंगे, हमेशा के लिए अपने जगह चल जाएगा। मगर सांपों को मारना नहीं है, किसी भी तरह अगर सांप घर में है, कुएं में है, जाल में फंसा है, किसी तरह का दिक्कत है तो हमें तुरंत फोन करें, हम आ जाएंगे। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट द्वारा हमसे कुछ पूछना चाहते हैं सांपों को जानकारी में तो आप पूछ सकते हैं, हम जो अगला वीडियो में उसका जानकारी देंगे। तो सांप को अभी हम फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि सांप एक पर्यावरण मित्र है, सांपों को मारे नहीं, और सांप अगर बचा रहेगा तो पर्यावरण बचा रहेगा। और सांप घर में इस कारण आ जाते हैं क्योंकि ये चूहा के तलाश में आते हैं, अपने भोजन के तलाश में घुस जाते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।